हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे कॉम्बिनेशन लॉक के बारे में। कॉम्बिनेशन लॉक के बारे में हर किसी को क्यूरियोसिटी रहती है, न जाने कितनी फिल्मों में हमने इस लॉक के बारे में देखा है। तो चलिए आज ये जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों सबसे पहले ये केस है जिसके अंदर सारी मैकेनिज्म रहती है। ये शेकल है और ये लीवर है। ये लीवर इस रोड में फिक्स होता है पर रोड के आसपास फ्रीली रोटेट हो सकता है। सबसे पहले अगर एक किसी भी सिंपल लॉक की बात करें तो लॉक तभी खुलता है जब ये शेकल लॉक से बाहर आता है। शेकल को गाइड करने के लिए शेकल कॉलर लगाया जाता है जिसे शेकल परफेक्टली एक ही लाइन में मूव होता है। अब ये शेकल को टॉप और बॉटम में केस के इस कट से कंस्ट्रेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि शेकल बाहर कब आता है। दोस्तों जब शेकल बाहर निकलने की कोशिश करता है तब ये लीवर रोटेट होने की कोशिश करता है। अब लीवर रोटेट होगा तो शेकल बाहर आ जाएगा। अब ये लीवर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा इस मेटल स्प्रिंग की वजह से। ऐसे समझिए कि जब ये लीवर बाहर था तब इसके साथ इस मेटल स्प्रिंग को फिक्स कर दिया गया था। अब जब लीवर को अंदर फिक्स करेंगे तब ये स्प्रिंग बेंड होकर टेंशन में आ जाएगी, जिससे ये हमेशा लीवर को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी। इसे रोकने के लिए केस के ऊपर एक छोटा सा बम्प होता है, पर जब शेकल बाहर निकलता है तब लीवर रोटेट होता है और स्प्रिंग और टेंशन में आ जाती है। शेकल के बाहर निकलते ही स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करती है, जिससे लीवर भी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। अब बात करते हैं कि शेकल जब अंदर आता है तो क्या होता है। दोस्तों ये लीवर दो पार्ट में बटा हुआ है। दूसरा पार्ट कुछ ऐसा होता है, इसमें ये लेच होता है जो कि स्प्रिंग लोडेड होता है। ये कुछ इस तरह से राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूव हो सकता है। जब शेकल नीचे आएगा तब ये लेज दबेगा और लेफ्ट साइड मूव होगा। शेकल के कंप्लीट नीचे आते ही लेज स्प्रिंग के फोर्स की वजह से शेकल के नोच में आके फंस जाएगा और सिस्टम लॉक हो जाएगा। यहाँ आप इतना समझ गए होंगे कि सारा खेल इस लीवर का है। अगर लीवर रोटेट होगा तो लॉक खुल जाएगा और नहीं होगा तो लॉक नहीं खुल पाएगा। और यहीं से रोल आता है इन तीन केम या डिस्क का। ये तीनों केम की डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तीनों में इस तरह का एक एक ग्रूव बना हुआ है और तीनों में कम से कम एक एक टीथ भी निकला हुआ है। इन तीनों केम को होल्ड करती है ये बैक प्लेट। इस बैक प्लेट में एक स्प्रिंग रहती है और उसके बाद केम और उन केम्स के बीच में वॉशर रहते हैं। इसमें दूसरा और तीसरा केम तो एकदम फ्री होता है, पर पहला केम दरअसल इस डायल के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि डायल घूमेगा तो पहला केम भी घूमेगा। अब देखिए अगर इन तीनों केम के ग्रूव एक लाइन में रहेंगे तो जब आप शेकल खींचेंगे तो ये लीवर घूम पाएगा और लॉक खुल जाएगा। पर अगर इन तीनों केम के ग्रूव एक लाइन में नहीं रहेंगे तो लीवर नहीं घूम पाएगा और लॉक नहीं खुलेगा। इसका मतलब साफ है कि हमें इस डायल को घुमा के इन तीनों ग्रूव को इस जगह पे एक लाइन में लाना पड़ेगा। पर इस डायल का कनेक्शन सिर्फ पहले केम से है, दूसरे और तीसरे केम से नहीं है। पर दोस्तों डायल का कनेक्शन दूसरे और तीसरे केम से इनडायरेक्टली है। कैसे? ऐसे कि अगर आप डायल को घुमाते रहेंगे तो पहले केम का ये टीथ दूसरे केम के टीथ से लड़ेगा, जिससे दूसरा केम भी घूमने लगेगा। और अगर आप डायल को घुमाते रहेंगे तो दूसरे केम का टीथ तीसरे केम से लड़ेगा और तीसरा केम भी घूमने लगेगा। यानी कि अब हम डायल से तीसरे केम को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन लॉक खोलने का पहला स्टेप है। आपको डायल को 3-4 बार घुमाना है। अब दोस्तों एक बात समझिए कि जो आप नंबर्स देखते हैं कॉम्बिनेशन लॉक का, जैसे कि 21, 32, 12, ये नंबर डिसाइड्स होते हैं केम्स के इस ग्रूव और इन टीथ की रिलेटिव पोजीशन से। यानी कि लॉक बनाते वक्त ही ये फिक्स हो जाता है कि इसका पासवर्ड या नंबर क्या है। अब ये समझ लीजिए कि ये वो जगह है जहाँ तीनों केम के ग्रूव को होना चाहिए लॉक खोलने के लिए। अब मान लीजिए कि हमने तीसरे केम के ग्रूव और टीथ को ऐसे बनाया है कि जब आप डायल को 21 पे सेट करेंगे तो ये ग्रूव एग्जैक्टली वहीं पे आ जाएगा जहां इसे लॉक खोलने के लिए होना चाहिए। यानी कि हमने तीसरे केम को वहां सेट कर दिया है जहां इसे होना चाहिए। अब हम डायल को एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिससे डायल का कनेक्शन दूसरे केम से बन जाएगा, पर तीसरे केम के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। और मान लीजिए कि दूसरे केम के टीथ और ग्रूव को ऐसे बनाया है कि अगर हम डायल को 32 पे सेट करेंगे तो दूसरे केम का ग्रूव वहां पे आ जाएगा जहां इसे लॉक खोलने के लिए होना चाहिए। अब पहले केम के लिए हमें डायल को क्लॉकवाइज घुमाना है और मान लीजिए कि इस बार नंबर 12 है। अब आप देख सकते हैं कि तीनों केम के ग्रूव एक लाइन में आ गए हैं। अब अगर आप शक्ल खींचोगे तो लीवर रोटेट हो पाएगा और आपका कॉम्बिनेशन लॉक खुल जाएगा। लॉक को वापस बंद करते वक्त अमूमन इतना झटका लगता है जिससे तीनों कैम थोड़े इधर उधर घूम जाते हैं, जिससे आप इसे दूसरी बार नहीं खोल पाएंगे। आपको फिर से तीनों कैम को सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कॉम्बिनेशन लॉक की मैकेनिज्म। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस 3D एनिमेशन वीडियो बनाने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।